हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज अलजेब्रा का जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसका सेकंड पार्ट देने जा रहा हूँ। और सभी फॉर्मूले, मैक्सिमम फॉर्मूले जो होंगे वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, दैट विल बी डिटेल नो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें और आप अपने कंपटीशन के एग्जाम में अपने गोल के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, ज़्यादा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो। और तीन बातें याद रखें, क्यों, कैसे, कहाँ। अगर इस तीनों का आंसर आप खोज लिए तो आपको सफलता श्योर मिलेगी। इससे क्या होगा, आप में डेप्थ आएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन फार्मूला जो है कैसे क्रिएट होता है, मैंने उसके रूट में मैं जा रहा हूँ, फार्मूला के मैं जड़ में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, तो मैं पहले वीडियो में एक फार्मूला ये बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। मैं ये पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब इसको आप क्या करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है भर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये आपका फार्मूला हो गया। फिर आप क्या करें, इसको इधर ले आइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर देखिए, आपका यह एक फार्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपको अगर दिक्कत होगा कि यहाँ से देखिए माइनस 2ab आएगा, यहाँ प्लस 4ab है, 4ab में 2ab घट जाएगा तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ देखिए, अगर दिक्कत होगा, जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पर आप क्या करें, रुकें, रटे नहीं, कोई स्ट्रक्चर आज नहीं आएगा समझ में, कल आएगा। तो आप में समझने का जिद होना चाहिए। एक बार आइंस्टीन ने कहा था कि मैं बहुत तेज हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी आपके तरह ही का इंसान हूँ, लेकिन मेरे में कुछ पाने का जिद है। तो आप भी कुछ सीखने का जिद पालिए। देखिए, तो अगर यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 4ab घटेगा, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला स्ट्रक्चर देखिए, मैं अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टोराइज करें। मैं आपको बताने जा रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टोराइज क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि गलत है। इसको पहले ऐसे लिखेंगे, देखिए मैंने ए बी घटाया और ए बी जोड़ दिया, और अब देखिए इसमें ए कॉमन आ रहा है, ए ए माइनस बी, और इसमें कॉमन दोनों में बी है, तो ए माइनस बी इंटू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब गुणनखंड करने कहेगा तो आपको ये सब करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे पहले के वीडियो में, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला पढ़े थे ए प्लस
प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तीन है तो यहाँ दो से स्टार्ट हो गया, अगर यहाँ मान लीजिए पाँच आ जाए तो क्या होगा, ये सब में आएगा। और यहाँ देखिए तीन है तो ये दो से स्टार्ट हो रहा है, पाँच है तो ये चार से स्टार्ट होगा, ए का पावर चार ए क्यू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यू, और यह प्लस माइनस और प्लस। देखिए इसमें अल्टरनेट आ रहा है, देखिए पॉजिटिव टर्म है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, उसी तरह यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए का पावर देखिए पाँच है यहाँ पावर तो चार से स्टार्ट हुआ, फिर तीन हो गया, फिर दो हो गया, ए का पावर क्या होते जा रहा है घटते जा रहा है, फिर बी यहाँ से आ रहा है। जैसे इसी तरह से अगर ए का पावर मान लीजिए 99 और इसका फॉर्मूला लिखना है क्या करेंगे आप, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए का पावर 98। देखिए इस फॉर्मूला से ही मैं इसको बना रहा हूँ, अब हो जाएगा ए का पावर 97 बी, फिर हो जाएगा ए का पावर 96 बी स्क्वायर, और इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा और अंत में हो जाएगा बी का पावर 98। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे, यानी कि ये ए का पावर एन और बी का पावर एन, यहां पर एन इज ऑड, इफ एन जो है ऑड है, कैसे लिखाएगा ये ए प्लस बी ए का पावर एन माइनस वन ए का पावर एन माइनस टू, इस तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। और तो समझ में आ गया होगा तीन रहेगा पांच रहेगा 99 रहेगा, जब भी ऑड नंबर रहेगा यहाँ प्लस में रहेगा ऑलवेज ए प्लस भी आएगा, और यहाँ एक कम से स्टार्ट होगा, और यहाँ टर्म जो है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह होते जाएगा। देखिए अगला जो फॉर्मूला आ रहा है हम लोग का ए माइनस बी का होल क्यूब, अब हो जाएगा ये, अब देखिए ये ए दोनों मल्टीप्लाई कर जाएगा एक गुना तीन बटा एक ए स्क्वायर बी, इसमें प्लस में आया माइनस अब आएगा प्लस में, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा दो गुना तीन बटा दो हो जाएगा और ए बी स्क्वायर ये कटेगा, और अब हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा ये दोनों तीन गुना हो जाएगा एक बटा में यहाँ दो है और क्या हो गया ये देखिए ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये हो गया किसका फॉर्मूला, ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब का, यह जो फार्मूला हो गया आपका ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो अब इसको और आगे बढ़ाएंगे ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कि दोनों टर्म में कॉमन हम लेते हैं माइनस थ्री ए बी, माइनस थ्री ए बी कॉमन करते हैं यहाँ क्या बचता है ए, और माइनस कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ प्लस है, ये माइनस था हो गया प्लस में लिखाएगा, और ये प्लस है यहाँ क्या लिखाएगा माइनस, यहाँ देखिए थ्री ए बी स्क्वायर है थ्री ए बी कॉमन आ गया, जैसे बी यहाँ पर डबल है एक बार कॉमन आया, और तो एक ये फार्मूला हो गया हम लोग का ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखिए अगला फार्मूला आएगा
माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और आपने क्या किया इसको माइनस 3ab है इंटू ए माइनस बी ये टर्म तो इस तरह से आपने क्या किया ये जो टर्म है या जो टर्म है ये इसको राइट साइड से आप लेके चले आए लेफ्ट साइड और ये आपका राइट का राइट है ये फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से अगला जो बनेगा अगला देख इसमें कॉमन आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है ए माइनस बी दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ ए माइनस बी तीन बार है यहाँ दो बार जो है बच जाएगा और तो यहाँ आप देखिए एक बार कि यहाँ पर ए माइनस बी कितना बार है तीन बार है एक बार कॉमन आया दो बार बचेगा उसके बाद प्लस ये तो कॉमन आ गया ये बचेगा 3ab। आप इसको और सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab होगा यहाँ क्या है प्लस 3ab 3ab में इसका 2ab जो आएगा वो घट जाएगा क्या बचेगा प्लस ab। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण ग्रुप में ले जा रहा हूं जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका आपने क्या पढ़ा अभी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप यहां देखिए पावर दो है कि ये एक से स्टार्ट होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप क्या देखते हैं पावर तीन है तो दो से स्टार्ट हो रहा है और अगर यहाँ चार आ जाएगा अगर यहाँ चार आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा a माइनस बी और ए क्यू ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा पावर चार रहेगा ये तीन से स्टार्ट होगा यहाँ पर अब ए का पावर तीन आया ए का पावर दो आया फिर बी आया फिर अगला में बी स्क्वायर आया फिर आगे बी क्यू यानी यहां से बी का पावर पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए का पावर फाइव क्या लिखाएगा ए माइनस बी अब ए का पावर चार आ जाएगा पावर पांच है तो चार से स्टार्ट होगा आप फिर ए का पावर तीन हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यू हो जाएगा बी का पावर चार हो जाएगा पांच आया। अगर मान लीजिए ए का पावर एक सौ इसका फार्मूला निकालना है इसका फार्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ये 99 ए का पावर हो जाएगा 98 ए का पावर 97 इसी तरह बढ़ते चला जाएगा और बी का पावर हो जाएगा 99। यहाँ 100 है 99 से स्टार्ट हुआ पावर 5 है तो 4 से स्टार्ट हुआ पावर 4 है तो 3 से इस सब में कॉमन है ए माइनस बी सब में आएगा। अगर इसी तरह से ये आ जाएगा ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन तब क्या लिखाएगा ए माइनस बी ए का पावर एन माइनस वन ए का पावर एन माइनस टू ए का पावर एन माइनस थ्री इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा और यहां लिखा जाएगा
वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर, आप एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी बैठा सकते हैं आप, सबके लिए यह स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। देखिए अब आ रहा है अगला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हर फार्मूला ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप विदाउट फार्मूला, बहुत से लोग कहते हैं कि मैथ बनाइए चुटकी में, मैथ बनाइए बिना फार्मूला के, तो मैं कह सकता हूँ आपको दावे के साथ कि इन सारे बातों में कोई भी ट्रूथ नहीं है। दिस टर्म्स हैव नो एनी ट्रूथ, दिस टर्म्स आर ट्रूथलेस। तो आप इन सारी बातों में ना आवे। मैं आपको ऑलवेज कहूँगा, जब भी आप मैथमेटिक्स बनाएं, इंग्लिश पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, साइंस पढ़ें, तो फॉर्मूला का, स्ट्रक्चर का, कॉन्सेप्ट का, बेसिक का प्रयोग करें। ट्रिक से कुछ भी संभव नहीं है। आप इतना पढ़ें जिससे आपको संतुष्टि मिले। स्टडी जस्ट लाइक दैट कैन सेटिस्फाई यू। इस तरह से पढ़ें जिससे आपको आनंद आए, संतुष्टि हो। तो आप जब भी जितना बेसिक जानेंगे आप उतना ही ज़्यादा इंजॉय आएगा, मज़ा आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, देखिए इसका फार्मूला जानने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ करके और देखिए इसको दो से जो है भाग दे दिए, अंदर दो से गुणा कर दिए, अब ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप इसको देखिए, दो बार ए स्क्वायर है, एक बार यहां से आएगा ए स्क्वायर, एक बार यहां से आएगा 2a² हो गया, एक बार यहां से b स्क्वायर आएगा, एक बार यहां से b स्क्वायर आ गया। इसी तरह से एक बार यहाँ सी स्क्वायर आएगा, ये भी आ गया, यहाँ से आएगा 2ab, देखिए आ गया, यहाँ से आएगा 2bc, यहाँ से आएगा 2c है। तो इस तरह से याद रखना है। और अगला आएगा, देखिए एक और बार देखिए, यहाँ पर लिखाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप यहां देखिए, कोई भी रियल नंबर का, ये a भी रियल नंबर है, रियल नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वह 0 से या तो ज्यादा होता है या तो 0 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0, इसका वैल्यू, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसीलिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। तो अर्थात हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि जैसे 0, 1, 2 इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू अगर पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मीन वैल्यू 0, याद रखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू
जीरो एक दो यानी जीरो से जीरो या जीरो से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, तो याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी जीरो। मैं अब अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहा हूं। जैसे देखिए यहां दिया हुआ है इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू ए देन फाइंड एक्स क्यू, ये पूछा जा रहा है हम लोग को, तो आप इसको क्या कर दीजिए, यह जो दिया हुआ है हो जाएगा ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो अब देखिए इसका होल क्यूब करेंगे, तो अब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो कट जाएगा। और आप जानते हैं यू नो एक्स प्लस एक बटा एक्स इक्वल टू ए, अब हो जाएगा एक्स क्यू एक बटा एक्स क्यू प्लस थ्री ए, ये जो एक्स प्लस एक बटा एक्स है इसको हम हटा देंगे, इसके बदले ए आ जाएगा और इस तरह से आप याद रखें इस फॉर्मूला को। यह सब बहुत ही समझिए, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यह सब आप अलजेब्रा का इसको संजीवनी कह सकते हैं, पेंसिया कह सकते हैं आप। तो अगर x प्लस एक बड़ा x a दिया रहेगा तो आपको याद रखना है x क्यूब प्लस एक बड़ा x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस थ्री a। देखिए अगला है अगला जो स्ट्रक्चर है एक्स माइनस एक बटा एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है एक्स क्यू माइनस एक बटा एक्स क्यू। अब देखिए मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, ए दिया हुआ है, अब हो जाएगा जैसा कि यहां देख रहे हैं पावर तीन है, यहां पावर तीन कब आएगा जब क्यूब करेंगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब हो जाएगा अब देखिए दोनों साइड पावर तीन आ गया, बोथ साइड को रेज बाय थ्री, इधर भी रेज कर दिए थ्री से, इधर भी कर दिए रेज थ्री से। अब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, अब ये कट जाएगा, ये और ये कटेगा, एक्स क्यू एक बटा थ्री, इसका वैल्यू आप जानते हैं थ्री ए, अब हो जाएगा ये ए क्यू प्लस, इस तरह से आपका अगर एक्स माइनस एक बटा ए एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक बटा एक्स इज इक्वल टू ए देन एक्स क्यू माइनस एक बटा एक्स क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस थ्री, इसे याद रखना है, याद रखना है। देखिए मैं अगला स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जैसे इफ देखिए अभी जो है एक फॉर्मूला है फिर बनाएंगे, देखिए
जो फार्मूला बन चुका है उसी से एक फार्मूला फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे, फॉर्म करेंगे। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो दिया हुआ है तो देन क्या होगा? देन तो जैसे ये दिया हुआ है जीरो, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मैंने फार्मूला लिख दिया। अब क्लियर है कि यहाँ जो है हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का, यहाँ देखिए जो हाफ है ये टू जो है इधर मल्टीप्लाई कर गया। अब देखिए होल स्क्वायर का जोड़ क्या है? इक्वल टू जीरो। तो अब हो जाएगा होल स्क्वायर का जोड़ जब इक्वल टू जीरो रहेगा तो हर होल स्क्वायर का वैल्यू बराबर जीरो हो जाएगा। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर जीरो, सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो, यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा। इससे क्या आएगा? इससे आएगा ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी। उसी तरह इससे आएगा बी इक्वल टू सी। तो देन क्या लिखाएगा? देन ए इज इक्वल टू, याद रखना है बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है ये। अगर इतना इक्वल टू जीरो रहेगा तो आप जान तुरंत आपको दिमाग में लाना है ए बी में कैसा रिलेशन आएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मैं अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं फॉर्मूला। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। और इसको उतार दीजिए आप, प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। अब आप क्या करें, इन दोनों को कनेक्ट करें, इसको ए मान लेंगे इसको बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए स्क्वायर और हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों में कॉमन लीजिए, दिखाई पड़ रहा है थ्री ए बी कॉमन आ सकता है, माइनस थ्री ए बी कॉमन आएगा, माइनस थ्री ए बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। और यहां क्या बचेगा? यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस हो जाएगा। और अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में देखिए कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और यहां से अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहां पर आप ये दोनों से कॉमन लिए ए प्लस बी प्लस सी, यहां से क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से आएगा सी स्क्वायर, उसके बाद यहां से आएगा प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी आएगा तो कवर आ गया, उसमें थ्री ए बी घट जाएगा माइनस ए बी, फिर यहां से आएगा ए इंटू सी माइनस सी ए बी इंटू सी, इस तरह से। और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसका और एक फॉर्मूला आएगा, इतना ही इक्वल टू जानते हैं आप, देखिए
फार्मूला हो गया आपका, यह फार्मूला हो गया एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का, और यह भी फार्मूला आप जानते हैं, इतना इज इक्वल टू अभी जस्ट बताया गया है आपको। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप जितना ज़्यादा याद रखें आपको उतनी ज़्यादा जल्दी जो है एज क्विक एज आपको उतना जल्दी सफलता मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिडक्शन पढ़ेंगे, इससे कुछ रिजल्ट्स और प्राप्त करेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर जीरो और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। याद रखें आप, इसमें ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या ये सब जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो ऐसा इससे यह भी हो जाएगा, ए बी सी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पूरा स्ट्रक्चर का वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब मैं अलजेब्रा का जो अलजेब्रिक फॉर्मूले थे एडवांस रिलेटेड, ऐसे जनरल में भी काम करेगा, तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा।